Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर और चौंका देने वाली और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ की एक हमशक्ल हैं और वो हमशक्ल अखिलेश यादव के साथ कई सारी तस्वीरों में आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लगभग हमशक्ल कहे जाने वाले अखिलेश यादव के साथ काफी नजर आए थे और चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के साथ पर्सनल फ्लाइट में ट्रेवल करते नजर आए, तो कई जगहों पर अखिलेश यादव के साथ खाना खाते नजर आए और वो जहां भी चुनाव प्रचार में जा रहे थे, समर्थकों की खुशी दौड़ जा रही थी और समर्थक जो हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आते थे। लेकिन अब इस शख्स को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई है और ये बुरी खबर ये है कि अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका नाम सुरेश ठाकुर नंदवसी है जो कि इस दुनिया में अब नहीं है और माना यह जा रहा है कि उनकी हत्या हो गई है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। सौरभ वर्मा नाम के पोस्ट यूजर पोस्ट डालते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में कल दिनांक 10/8/2023 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार करने वाले सेनस्वित सविता समाज के तेज तर्रार वक्ता सुरेश ठाकुर नंदवसी योद्धा के साथ कुछ दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी जिसमें उनको अंदरूनी चोटें आई थी और आज सुरेश ठाकुर योद्धा जी का निधन हो गया है जो कि बहुत ही दुखद है। हमारे समाज पर पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है, दबंगों के हौसले बुलंद है। सरकार से विनम्र निवेदन है कि जिला प्रशासन उन्नाव जो है वो उचित कार्रवाई करे। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल जो वेबसाइट से वहां पर साझा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 11/8 यानी कि आज ग्राम चौपाई थाना सोहरमऊ विधानसभा क्षेत्र पूर्वा जिला उन्नाव जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता श्री सुरेश ठाकुर जी की आकस्मिक मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में की सही जानकारी एवं शोक आकुल परिवार से मिलने हेतु प्रतिमंडल ग्राम चौपाई जनपद उन्नाव पहुंचेगा तथा रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तो एक बुरी खबर जो योगी आदित्यनाथ के हम सकल को लेकर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में दर्शक घूम रहे थे, उनकी हत्या हो गई है और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। बाकी इस तरीके की जो मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है बताइए। धन्यवाद।